से भी आए हैं, अरवल जिला के भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। इस तरह खेल प्रारंभ मध्यांतर के बाद हमें तीन लाखों जिलों के आधार पर खेल आगे बढ़ता हुआ छोटे छोटे पास के साथ साथियों को उतना ही अच्छा अमेल का आक्रमण, एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा मौका, लेकिन बहुत ही अच्छा बचा पांच नंबर प्लेयर के द्वारा। तो आज सद्भावना फुटबॉल समिति के अध्यक्ष भी दो दिन से किसी कारण व्यक्तिगत कारण से अनुपस्थित थे, वो भी हमारे बीच आ गए हैं तारिक जी, जिनको हालांकि इनके सौजन्य से खेल में इनकी बहुत बड़ी सहभागिता भी है, इनका प्रेम उद्गार भी है, लेकिन हमारे संयोजक के द्वारा कहा गया है कि लगता है इन्हें कुछ टाइम भी देना पड़ेगा। दो दिन से जहानाबाद के ऐतिहासिक गांधी मैदान में काको में बहुत ही सुंदर खेल हुआ, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन बहुत ही अच्छा बचाव भी, बहुत अच्छा एक मौका, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास काको के द्वारा, एक अच्छा पूरा मैन के लिए स्पीच, आगे का कार्यक्रम, आगे का हाथ सुनने के लिए राजीव बाबू से धन्यवाद। राजीव बाबू, तो इस तरह अभी भी हमें इनकी टीम 0-3 से लीड करती हुई मध्यांतर के बाद का प्रारंभिक दौर का यह खेल चल रहा है और देर सवेर दर्शक और काफी गैप में यह बॉल को और यह आशय का इशारा रेफरी राजेश का झंडी उठ चुका था और झंडी उठने के बाद बिल्कुल लाइन में खड़े थे वो और उन्होंने देखा कि खिलाड़ी ऑफ साइड हो चुके हैं तो उन्होंने झंडी उठाई और फिसल की। तो कोई खतरा नहीं, जैसा कि आपने देखा मध्यांतर के बाद का खेल माननीय अतिथि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग निशांत कुमार जी एवं निकासी गैर पदाधिकारी जो कुटा मध्यविद्यालय जीवित मध्यविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं और उनके प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार जी, साथ ही गणमान्य लोग खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल का विधिवत जो मध्यांतर के बाद का खेल का प्रारंभ किए और आज अभी कुछ देर का खेल बोल 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 हुआ है और अभी भी स्कोर 0-3 मध्यांतर के पहले ही तीन गोल कर टीम में की बराबरी के लिए मेहनत बढ़ानी थी बॉल पे आप फाइनल मैच में पहुंचने के लिए। फाइनल मैच जो 26 जनवरी को निर्धारित है और आज शाम तक डिसीजन होने का उम्मीद है कि जैसा कि काको में जो परसों क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया था मैच आता के बाद व्यवस्थापकों द्वारा खड़ा हुआ पास खिलाना साला की मांग की गई थी, ऑफसाइड भी देख रहा है अभी तक भैया भैया ऑफसाइड देख के आज शाम तक होने की उम्मीद है। तो इस तरह 26 जनवरी के से खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हैं, उसे डिफेंस करते हुए काको के खिलाड़ी थ्रोइन बहुत अच्छा बॉल आगे बढ़ते हुआ, लेकिन एक बॉल मेरे खिलाड़ी को उठा लेते हुए अच्छा से क्लियर करते हुए काको के खिलाड़ी स्कोर 3-0 तीन बॉल
अमैन लक्ष्मीपुर अमैन की तरफ से, काको की तरफ से एक भी गोल नहीं। और यार का रोमांचकारी खेल का प्रदर्शन करते हुए एक नए जज्बे के साथ, नए हौसले के साथ और इस तरह से क्लियर करते हुए अरे बेटे की मुद्रा में अमैन के खिलाड़ी और सही डिफेंसिव मुद्रा में काबा के खिलाड़ी। इस तरह से बॉल बाहर काको यूथ क्लब काको एवं अमैन आकाश स्पोर्टिंग क्लब अमैन यूथ क्लब काको बनाम आकाश स्पोर्टिंग क्लब लक्ष्मी बोर्ड अमैन के बीच संघर्ष होते हुए बोलने का आगे बढ़ते हुए अमैन के खिलाड़ी रॉन्ग शॉट पुनः गोल कीपर के हाथ में। तारीख को जो मैच हुआ था यूथ क्लब काकोर एवं गांधी मैदान फुटबॉल क्लब के बीच, उसमें जो जज्बा देखने को मिला काकोर टीम की तरफ से, वैसे जज्बा का मैच में अभाव उस जोश खरोश के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसमें इस ग्राउंड का एक अलग महत्व हो गया था, दर्शक जज्बा भी मैंने खजा खच झुका आता है, फिर से भरा हुआ दर्शक आपको फील्ड पर जो प्यार सम्मान मिला बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन काको मैदान पर रहा। और वहां से बार बार प्रयास किया जा रहा है कि हमारे मैदान पर फिर एक मैच रखा जाए। इस तरह से निकलते हुए हमारे के खिलाड़ी इस तरह से बहुत अच्छा शॉट और इतना ही सुंदर ढंग से बचाओ से कॉर्नर किक लेते हुए अभी इस तरह से अजीन खतरा बना हुआ दूसरा कॉर्नर अभी भी काको टीम के ऊपर बॉल का खतरा बढ़ाता हुआ कॉर्नर किस तरह से अमैन की टीम अपने बढ़त बनाएंगे गोल में ऐसे इसको डिफेंस द्वारा डिफेंस किया जाएगा।